इस वीडियो में आप सीखेंगे एमएस एक्सेल 2007 किस तरीके से सम, सबट्रैक, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले दोस्तों, अगर आप एमएस एक्सेस दोस्तों अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन और एनिमेशन फोटो बनाना चाहते हैं और अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से बनाते हैं, तो इन सारे टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो उन सारे वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे सम, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं सम। जैसा कि आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं, दो सेल में यहाँ पे मैंने और इन दोनों को सम करके हम आज आप लोगों को बताना है। तो इन दोनों को सम करने के लिए यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। आप एमएस एक्सेल में जब भी आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको इज इक्वल टू लगाना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इन दोनों का सम कैसे करते हैं। तो सम करने के लिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, इज इक्वल टू सम। उसके बाद ओपनिंग करली ब्रेसेस और उसके बाद आप फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपने नंबर को इनपुट कर रखा है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक से यहाँ पे आपका G6 सिलेक्ट हो गया है और उसके बाद कोलोन लेने के बाद यहाँ आप 87 सेल को सिलेक्ट कीजिए। तो 87 मेरा है, वो है G7। तो देख सकते हैं यहाँ पे G7 सिलेक्ट हो चुका है और उसके बाद शिफ्ट लेकर के आप ब्रैकेट को बंद कीजिए और उसके बाद कीबोर्ड से इंटर बटन को प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों का सम होकर के 141 यहाँ पे आ चुका है। ये फर्स्ट तरीका है। और दूसरा तरीका है कि आप इस दोनों को ऐसे भी आप सम सकते हैं इज इक्वल टू, और उसके बाद आप इस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद प्लस और उसके बाद नीचे वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद इंटर प्रेस कीजिए। तो इस तरीके से भी आप दोनों को सम कर सकते हैं। और अगर आपके सामने रो वाइज यहाँ पे बहुत सारा नंबर दिया गया है और एक ही बार में आप सारे को सम करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्लिक करके इन सारे सेल को आपको एक बार में सिलेक्ट करना होगा। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक दिया जाता है फैसिलिटी ऑटो सम का। तो ऑटो सम जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आपका सम होकर के आ चुका है। तो इस तरीके से भी आप सम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सबट्रैक्ट। यहाँ पे 54 दे देते हैं और इन दोनों को मुझे सबट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इज इक्वल टू दीजिए और इज इक्वल टू देने के बाद इस सेल को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद माइनस, माइनस देने के बाद नीचे वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद इंटर। तो देख सकते हैं इन दोनों का मेरा सबट्रैक्ट होकर के 9 आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप सबट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। तो उसके लिए दोस्तों चलिए हम इसको यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे नीचे आपका आंसर चाहिए, तो यहाँ पे आज आपको यहाँ पे दोस्तों आपको इज इक्वल टू लिखना है और उसके बाद आपको फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप कीबोर्ड से स्टार जो होता है उसको आप यहाँ पे टाइप कीजिए, एस्ट्रिक। तो एस्ट्रिक ऐसे नहीं होगा, आपको शिफ्ट लेने के बाद आपको एस्ट्रिक होगा जो कि 8 में ऊपर होगा आपको कैरेक्टर की के ऊपर। तो वहाँ से आप उसको स्ट्रिक को टाइप कीजिए और उसके बाद नीचे वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद इंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आंसर आ चुका है दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर के। इसी तरीके से अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पे आप इज इक्वल टू टाइप कीजिए और उसके बाद फर्स्ट सेल को आप सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश देने के बाद आप नीचे वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद इंटर बटन को प्रेस कीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे नीचे मेरा डिवाइड होकर के आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इंडिविजुअल अलग अलग आप सेल को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट, सम और डिवाइड कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे मार्कशीट में टोटल नंबर और परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं, वो आज आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।